नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बेबी डॉज, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर बेबी डॉज में कुछ होगा या ये बस यूं ही हवा हवाई अब रह गया है। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको आज छानबीन करके कि क्या हो सकता है या आगे बुल रन में ये कितना आपको दे सकता है। बाइनेंस लिस्टिंग से क्या कोई इम्पैक्ट आएगा इसके प्राइस राइज पे या सिर्फ यूं ही अब बेबी डॉज नाम का रह गया। चलो है तो आखिर मीम कॉइन, देखते हैं क्या सीन बनता दिख रहा है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले चलते हैं इसके ट्विटर हैंडल पर कि ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ है, इसके कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो इसको कुछ बूम दे सकते हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ अच्छी क्लियर कहूँ, जो भी इस पर अभी फिलहाल ट्विटर पे इन्होंने अपना अपडेट कर रखा है, इस पर ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सको कि साहब इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ बूम आ सकता है। इनके जो अपडेट अभी ट्विटर पर चल रहे हैं कुछ नहीं, केवल एक फोटो सेशन टाइप का चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कि आजकल रील बनाने का शौक है, उसी तरीके से इनको आजकल फोटो खिंचाने का शौक है। तो बस जगह जगह इन्होंने अपने बस फोटो खिंचा रखे हैं, इससे ज्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ा ना तो कोलेबरेशन है और ना ही कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप है जिसकी वजह से हम ये कहें कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, इस पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो देखिए साहब, मैं इसको जो देख रहा हूं लगभग मैंने आपका ये मान लीजिए एक हफ्ते पुराने इनके ट्वीट देख लिए हैं और एक हफ्ते पुराने ट्वीट्स में ऐसा एक भी बड़ा ट्वीट नहीं है। अगर होता तो आपको प्राइस पर इंपैक्ट भी बीच में नजर आता, तो आपको जब प्राइस पर कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया तो आप उसी से समझ जाइए कि इनका जो है पीछे भी ऐसा कोई ट्वीट मजबूत नहीं है जिसकी वजह से प्राइस पर किसी तरह का इंपैक्ट आ सके। तो ये तो थी साहब इनकी ट्विटर की कहानी के साथ, ट्विटर पर इन्होंने क्या कुछ गुल खिलाए हैं, बिल्कुल नहीं साहब, कोई गुल नहीं खिलाए, केवल एक फोटो सेशन टाइप का इनका चलता रहता है। बस वो बेबी डॉज के फोटो बना बना के डालते रहते हैं और सोचते हैं शायद इसी से हमारा जो है प्राइस में बहुत अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा। अब आते हैं इनका जो दूसरा सीन है, यानी कि कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको और इनका बर्निंग का क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। इसकी सप्लाई का पहले सीन देख लेते हैं, एक्चुअली सप्लाई में क्या बचा है या कुछ कर पाया या अभी तक उतनी ही सप्लाई अपनी लेके बैठे हुए हैं। सप्लाई में आप देखिए, पहले तो इनकी जो टोटल सप्लाई है वो भी अपनी वही 420 क्वाड्रिलियन है, यानी पहले से ही 420 लिखा हुआ है इनके आगे, तो नहीं ऐसा नहीं इसको ये साकार कर दें 420 को, 420 नंबर बड़ा खतरनाक नंबर होता है। खैर जो भी है, अब इन्होंने अब तक जो है 51% अपनी टोटल सप्लाई का बर्न कर दिया, इसका मतलब ये लगभग 214.5 क्वाड्रिलियन के आसपास इनका सप्लाई से निकल गया है, ठीक है। अब यहां पर आगे इनका अगर उसके अकॉर्डिंग बचता है तो बचता है 205 क्वाड्रिलियन और अभी आपका बचता है अप्रोक्स, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिलियंस का माल हटाए तो मैं केवल अभी आपका क्वाड्रिलियंस में बात कर रहा हूं। तो 205 क्वाड्रिलियन अभी भी इनके पास सर्कुलेशन सप्लाई में, 205 क्वाड्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है, तो सोच से भी ज्यादा बड़ा नंबर है, कहीं बिलियंस या मिलियंस में होता तो कुछ समझ में आता, लेकिन अभी भी क्वाड्रिलियंस में माल बहुत भरा पड़ा है इनके पास, ठीक है। एक साल में, पिछले एक साल में जो ये बर्न कर पाए टोटल केवल और केवल 14 क्वाड्रिलियन इन्होंने बर्न किया। देखिए एक तो इनकी सप्लाई का भी वो लफड़ाई रहा हमेशा, कभी इथेरियम पे इतनी है, बीएनबी पे इतनी है, तो वो भी एक इनका कहीं ना कहीं एक अलग ही लफड़ा था जो इन्होंने बर्न भी किया इथेरियम वाला, जिसका कोई इंपैक्ट प्राइस पर होना नहीं था और उस सप्लाई का कोई मतलब भी नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने वाली बात थी। अब इनकी जो सप्लाई मेन है वो ये है, तो अब इसमें से ये कितना बर्न कर पाते हैं और आगे वो वक्त वाली बात है, मोटी बर्निंग ये कोई कर नहीं रहे। जैसे उसमें इन्होंने इथेरियम में किया भाई 100 क्वाड्रिलियन एक बार में कर दिया, 50 क्वाड्रिलियन एक बार में कर दिया, उसी तरीके से अगर 100-200-150 क्वाड्रिलियन अगर इसमें से कर दें तो आपका एक बहुत अच्छा सीन बन सकता है। तो वो टीम ने सारे हाथ खड़े पहले ही कर दिए, जब हमने एक बार पीछे भी इसमें मुहिम चलाई थी, जब आप लोगों से काफी जो है ट्वीट वगैरह करवाए थे, तो उन्होंने बहुत से लोगों को उस टाइम ब्लॉक भी कर दिया और बहुत क्लियर कट आके बोल दिया कि साहब हम बर्निंग इस तरीके से नहीं कर सकते, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई बर्निंग से कोई प्राइस में इंपैक्ट पड़ता नहीं है। तो मेरे भाई एक सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है, जब बर्निंग से कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है तो आप ये क्वाड्रिलियन से सप्लाई क्यों लेके आए? भाई मिलियंस में ले आते, बिलियंस में ले आते, जब सप्लाई का कोई मैटर ही नहीं है, जब सप्लाई आपका ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सप्लाई आप मिलियंस में लेके आते ना, क्यों क्वाड्रिलियंस में लेके आए? आप तो ट्रिलियंस को भी पीछे छोड़ गए। तो लेकिन वो है कि उनके पास ऐसा कोई जवाब इस चीज का है नहीं, उस टाइम भी मैंने पूछा था, लेकिन अब क्या है, अब तो जो चीज सामने है वो ये है कि फिलहाल का लगभग आप ये मान लीजिए 17,70,000 के आसपास लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये इस इंतजार में है किसी तरीके से बेबी डॉज का प्राइस
थोड़ा बढ़े, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको थोड़ा प्रॉफिट अच्छा मिले और हम यहां से एग्जिट कर लें। देखिए लगभग लगभग सबका यही सोचना है। अब यहां से जो सीन बनता है वो है 205 क्वाड्रिलियन का, जो इनकी अभी सर्कुलेशन सप्लाई में है। अब ये 205 क्वाड्रिलियन जो अगर बर्न भी करते हैं तो इन्होंने अभी पिछले एक साल में कितना 14 क्वाड्रिलियन बर्न किया है केवल, तो 14 क्वाड्रिलियन के हिसाब से भी इनको लगभग लगभग अभी 14 से 15 साल फिर भी लग जाएंगे अगर इतना ये रेगुलर करते रहे तो। ये सीन अप एंड डाउन हो सकता है अकॉर्डिंग टू बर्निंग। अगर इन्होंने बर्निंग अच्छी करती तो ये साल कम हो सकते हैं, बर्निंग मान लीजिए 14 की 13 रह गई तो वो इधर एक दो साल और बढ़ जाएंगे। ये डिपेंड करता है इस पर कि आप कितना इसको बर्न कर पाते हैं। अब आगे क्या होगा इसमें, आगे का सीन है साहब। देखिए अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो अब आप ये कहो कि बाइनेंस लिस्टिंग से कोई बहुत ज्यादा बढ़ेगा, भाई साहब मुझे अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए मेरा ओपिनियन हो सकता है, बहुत से बेबी डोज, देखिए मेरे पास भी बेबी डोज, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं, मेरे पास भी है, लेकिन जो उम्मीदें थी शायद अब उतनी उम्मीद नहीं है बाइनेंस लिस्टिंग से भी। आपने रिसेंटली की जो बाइनेंस लिस्टिंग देखी है क्या कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है? जब बेबी डोज से बहुत ज्यादा कम उनकी सप्लाई है, बेबी डोज के बाद आए प्रोजेक्ट हैं जिनमें बाइनेंस को भी ये पता था कि वॉल्यूम हमें मिलने की अच्छी उम्मीद है। बेबी डॉज को बाइनेंस शायद इसीलिए लिस्ट भी नहीं कर रहा है कि उसको पता है कि भाई 18 लाख लोग लगभग अप्रोक्स जो होल्ड करके बैठे हैं मोटी मोटी सप्लाई, वो सब बेचने के लिए आएंगे, वॉल्यूम आएगा कहां से ज्यादा। वो सब इस इंतजार में बैठे हैं कि किसी तरीके से इसका प्राइस बढ़े और हम यहां से निकल के भागें, किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। तो इसी वजह से शायद बाइनेंस भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर नहीं रहा है। भाई आप देखिए बाइनेंस का भी आजकल भरोसा कुछ नहीं है कि वो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट कर देता है। तो मे भी देखिए लिस्टिंग तो इसकी होगी लेकिन वो बहुत जल्दी वाला सीन कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो इसकी सप्लाई, दूसरा बाइनेंस को देखिए वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी सब लोग अपनी जेब में धर के बैठे हैं बेबी डॉज के नाम पे। भाई खरीदेंगे कितने लोग, कितने इन्वेस्टर हैं जो अब बेबी डॉज को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग खरीद के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी एक्सचेंजों पर इसकी बहुत सारी सप्लाई है। देखिए मैं आपको ये एक डाटा दे रहा हूं, ये बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं जहां पर एक्सचेंज ऑलरेडी बेबी डॉज को लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या में लेके बैठे हैं। तो यहां देखिए आप वही है ना कि एक्सचेंज भी इसीलिए लिस्ट नहीं कर रहा कि बेबी डॉज को लिस्ट करने से मे भी उनको उतना वॉल्यूम आता हुआ नजर नहीं आ रहा। वॉल्यूम तब आता है जब नया इन्वेस्टमेंट आता है और बेबी डॉज में नया इन्वेस्टमेंट अब बहुत कम आ रहा है। भाई जो हम लोग हैं वही थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करेंगे करेंगे, या कोई नया और आए तो वो इन्वेस्टमेंट करें। तो फिलहाल क्रिप्टो में भी नए लोग तो आना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो चुका है। तो इस वजह से भाई बेबी डॉज में बाइनेंस लिस्टिंग से बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद मत करना आप। मेरे देखिए मेरा ओपिनियन और मेरे ओपिनियन से कितने संतुष्ट हैं एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो इसीलिए मैंने आपको जो लोग पूछ रहे थे उनको देखिए मैं धोखे वाली बात नहीं करता, ना ही कोई ऐसी लाग लपेट की या बस वो कहते गोल गोल जलेबी बनाता रहूं, तो वो भी ठीक नहीं। मैं आपको स्पष्ट कहना ज्यादा पसंद करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर पीछे जो प्रोजेक्ट अभी लिस्ट हुए हैं बाइनेंस पर, उस पर देख लिए बेबी डॉज से बहुत कम सप्लाई थी, बेबी डॉज के बाद प्रोजेक्ट आए, उसके बाद भी बाइनेंस लिस्टिंग के बाद कितना उन्होंने रिटर्न दिया आप खुद देख लीजिए। तो इसलिए कह रहा हूं बेबी डॉज लिस्ट हो भी जाएगा तो भी उतने बड़े हमें पंप की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग बेबी डॉज को लेके बैठे हैं उनको एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, लेकिन कंडीशन तो वैसी होनी चाहिए ना। अब वो हमारे चाहने या न चाहने से तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज तो देखिए तब बहुत अच्छी हो सकती है जब ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बर्निंग कर दें, थोड़ा मूवमेंट बने पैसा आने का, जिससे कि इसका अट्रैक्शन बढ़े। अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए टीम को कुछ ना कुछ उल्टे सीधे ही काम करने पड़ेंगे। करें तो सही, मोटी मोटी बर्निंग करें, कुछ फटाफट फटाफट एक्सचेंज लिस्टिंग करें, थोड़ा सा अपनी तरफ से अट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए। तो वो टीम ऐसा अभी कुछ नहीं कर रही है। आप खुद बेबी डॉज को जो लोग लेके बैठे हुए हैं वो खुद इस चीज को महसूस कर भी रहे होंगे, क्या किसी तरह का ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ ये डेवलपमेंट हो रहा है जिससे प्राइस बढ़ सकता है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वही फैक्ट चीज मैंने आपके सामने रख दी। तो भाई 205 क्वाड्रिलियन की सप्लाई जो सर्कुलेशन में है उसको अगर ये पूरा भी खत्म करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, जो 14 क्वाड्रिलियन जो उन्होंने इस साल में बर्न किया है, तो भी 14 से 15 साल लगेंगे। अब यहां एक और घपला है। अब ये घपला ये है कि कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको वहां पर दोनों पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 146 क्वाड्रिलियन आ रही है। अब थोड़ा सा ये जो इनका बर्न ट्रैकर है वहां कुछ और है, यहां इन दोनों पर कुछ और है। तो अगर चलो हम 146 भी मान लेते हैं क्वाड्रिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो भी आपको लगभग 10 साल तो फिर भी लगेंगे अगर 14 क्वाड्रिलियन पर ईयर ये बर्न करते हैं।
तो आपको 10 से 15 साल का तो फिर भी एक पीरियड ऐसा है जो आपको बेबी डॉज के लिए रखना पड़ेगा अगर आपको इसकी सप्लाई को ट्रिलियंस में लेके आना है, यानी उसके बाद भी इसकी सप्लाई ट्रिलियंस में फिर भी रह जाएगी। आप ये कहो क्वाड्रिलियंस वाला माल खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रिलियंस में फिर भी बचेगी। और मेरे भाई अभी बेबी डॉज की ट्रिलियंस में मार्केट कैप जाना इम्पॉसिबल काम है। देखिए क्रिप्टो करेंसी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन बेबी डॉज के लिए भी इनकी मार्केट कैप ट्रिलियंस में ले जाना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उसके लिए देखिए आपको कहीं ना कहीं सप्लाई ही कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी मार्केट कैप थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। वरना देखिए अभी ट्रिलियंस में तो पूरा मार्केट कैप ही अपना आधे 1.5 ट्रिलियन के आसपास है पूरा, जिसमें सबके सब है, BTC, इथेरियम, BNB तक इसी में है, तब जाके हमारा 1.5 ट्रिलियन के आसपास अब मार्केट कैप है। तो भाई अकेले बेबी डॉज से ये वाली उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो जब तक मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा प्राइस आपका ज्यादा बढ़ेगा नहीं, सप्लाई जब तक कम होगी नहीं तब तक प्राइस बढ़ेगा नहीं, जब तक नया इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं तब तक प्राइस ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये कुछ सीन ऐसे थे जो मैंने बेबी डॉज के बारे में आपको क्लियर कर दिए। होल्डिंग मेरी भी है, देखिए पड़ी हुई है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना, प्रॉफिट जेब में निकालते रहिए, जब तक प्रॉफिट आपकी जेब में नहीं आएगा तब तक देखिए भरोसा कुछ नहीं है। जो हमारा लॉन्ग टाइम होल्डिंग का है, क्या सीन होगा आगे कुछ नहीं पता। तो इसलिए वो दो पोर्टफोलियो हम क्यों काम करते हैं, इसी वजह से करते हैं। लॉन्ग टाइम पड़ा हुआ है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, कम से कम इधर प्रॉफिट निकालने का जो जेब में डाल रहे हैं वो उधर अगर मान लो लॉस हुआ भी तो इधर पूरा तो हो जाएगा। अब वरना बेबी डॉ से जो लोग पूरी ये उम्मीद लगा के बैठेंगे ये हमें अब लखपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, तो भाई वैसा सीन भी तो क्रिएट होना चाहिए, टीम को उतने डेवलपमेंट भी तो करने चाहिए, तो वो तो कहीं ऐसे नजर नहीं आ रहे। तो मैंने सारा एक सीन जो है ना इसका वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, और बाकी आप खुद समझदार हैं भाई कि और क्या हो सकता है, क्योंकि मेन चीज है मार्केट कैप। जब तक मार्केट कैप इसका अच्छा नहीं बढ़ेगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद अब बेबी डॉ से लेकर आपको अभी तक की जो थोड़ी बहुत क्लियरेंस है वो हो गई होगी। बाकी और चलो मिलते हैं किसी और नए टोकन के साथ, किसी के ऐसे बकिया फिर से उधेड़ते हैं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।